Hello students, this is fourth part of chapter 9 of 7th class soil. So last video में हमने study किया था कि soil में different size के particles present होते हैं और उसके basis पे हमने soil को three categories में divide किया था, sandy soil, loamy soil and clay soil. तो next जो topic हमारा soil texture है वो इसी से related है. Soil texture का meaning होता है the composition of soil in terms of अमाउंट्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स जो क्ले हैं, मीडियम पार्टिकल्स जो सिल्ट्स हैं एंड लार्ज पार्टिकल्स जो सैंड्स हैं. मतलब इन तीनों पार्टिकल्स की, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज पार्टिकल्स की अमाउंट के बेसिस पे जो सोइल की कंपोजिशन होती है वो डिसाइड करती है कि सोइल का टेक्सचर कैसा होगा. तो इनके बेसिस पे सोइल को 12 टेक्सचुरल क्लासेस में डिवाइड किया गया. तो राइट साइड में 12 क्लासिफिकेशन आपको दे रखी है, सैंड, लोमी सैंड, सैंडी लोम, लोम, सिल्ट लोम, सिल्ट, सैंडी क्ले लोम, सिल्टी क्ले लोम, सैंडी क्ले, सिल्टी क्ले एंड क्ले. तो मेन वही है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इनके अमाउंट के बेसिस पे सोइल टेक्सचर डिसाइड होता है. तो इस टॉपिक के ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं जाना है. तो नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ सोइल, क्या कंपोजिशन क्या होती है सोइल की. तो 45% तो मिनरल मैटर होता है जिसमें सैंड, सिल्ट, क्ले ये आ गया जो हम स्टडी करते आ रहे हैं अभी तक. 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है, 25% एयर की कंपोजिशन होती है और 25% वाटर की है. टोटल कंपोजिशन होगी एयर की. नेक्स्ट है परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सोइल. तो परकोलेशन समझते हैं, परकोलेशन क्या होती है. जब आप सोइल के ऊपर पानी डालते हो तो सोइल क्या कर लिए, कुछ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी क्या होता है सोइल की डिफरेंट लेयर के थ्रू पास होता है. तो इसी प्रोसेस को परकोलेशन बोलते हैं. जो मिट्टी के थ्रू जो पानी रिस के जा रहा है वो परकोलेशन होती है. तो द रेट एट विच वाटर परकोलेट्स या मूव्स थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सोइल इज कॉल्ड परकोलेशन रेट. ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी परकोलेशन रेट की. तो अगर आपको कैलकुलेट करना है परकोलेशन रेट तो कैसे करेंगे, तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ फास्ट द वाटर पासिस डाउन द सोइल. तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक होलो सिलेंडर या एक होलो पाइप लेनी है, या एक आप स्मॉल टीन कैन भी ले सकते हो. और उसको आपने क्या करना है, 2 सेंटीमीटर ग्राउंड में, मतलब सोइल में आपने डिग कर देना उसको. उसके ऊपर आपने 300 ml वाटर उसके ऊपर स्लोली आपने डालना है. तो अब आपने वो टाइम नोट करना है जब आपने वाटर पोर किया था, वाटर डाला था, और वो टाइम नोट करना है जब सारा वाटर परकोलेट होके मतलब चला जाएगा उसमें से, पाइप में से, पाइप बिल्कुल खाली हो जाएगी, तो वो होगी उसकी परकोलेशन डेट. तो ये इसमें बता रखा, जैसे इसमें एक होलो पाइप है या सिलेंड्रिकल पाइप है, वो मिट्टी के अंदर गाड़ी हुई है. तो ये मेजरिंग रेट हो, कैसे उसको मेज़र करते हैं, तो आपने पानी डाला जितना पर्टिकुलर अमाउंट था 300 ml, तो वो धीरे 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 परकोलेट होगा, रिश्ता जाएगा. तो आपने बाद में वो टाइम नोट करना है कि कितने टाइम तक वो उसका जो पाइप है वो खाली हो चुकी है, वाटर सारा रिस के नीचे जा चुका है. तो ऐसे हम परकोलेशन रेट कैलकुलेट करते हैं. तो ये एक एग्ज़ाम्पल से आपको बताया गया, ये फॉर्मूला है परकोलेशन रेट का. अमाउंट ऑफ वाटर मिलीलीटर में लेना है, डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम वो मिनट में लेना है. तो यूनिट इसकी होगी मिलीलीटर बाय मिनट. तो सपोज किसी सर्टेन सैंपल के लिए 300 ml पानी को परकोलेट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट्स लग रही हैं. तो परकोलेशन रेट कैसे निकालोगे आप, अमाउंट ऑफ वाटर कितना है 300 ml और टाइम कितना ले रहा है 30 मिनट्स. तो 300 डिवाइडेड बाय 30, 10 ml डिवाइडेड बाय मिनट्स, 10 ml पर मिनट, ये उसकी परकोलेशन रेट होगी. तो डिफरेंट टाइप की सोइल में परकोलेशन रेट डिफरेंट होती है. ठीक है, अगर आप सैंडी सोइल की बात करो तो उसमें ये सबसे हाई होगी कि उसमें लार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो पानी ईजिली पास हो जाएगा उसके थ्रू. और क्ले सोइल में फाइन पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं, तो उसकी जो परकोलेशन रेट है वो सबसे कम होगी, मतलब उसमें से पानी रिसने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा. तो ये दिखा रखा है जैसे ए बी सी डिफरेंट, तीन डिफरेंट टाइप की सोइल है. तो ए में 25 मिनट्स लग रहे हैं, बी में पानी रिसने में, पर्टिकुलर सेम अमाउंट का वाटर है
उसी वोटर को, उसी अमाउंट के वोटर को ए में से 25 मिनट्स लग रहे हैं परकोलेट होने में, बी में से 20 मिनट्स लग रहे हैं, सी में से 10 मिनट लग रहे हैं। तो जिसमें सबसे कम लग रहा है वो क्ले सोयल है, और जिसमें सबसे ज़्यादा लग रहा है वो सैंडी सोयल है, और मीडियम वाली वो लोमी सोयल ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम आते हैं मॉइस्चर इन सोयल के बारे में। तो सोयल में मॉइस्चर भी होता है, जैसे आपने कंपोजिशन में देखा था कि 25% वाटर होता है, तो सोयल मॉइस्चर क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सोयल। तो ये कैसे आप मेज़र करोगे, इससे रिलेटेड एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बताया गया, हाउ टू शो द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द सोयल। आपने एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, ठीक है, उसमें 2 चम्मच आपने सोयल सैंपल उसमें ऐड करना है, उसमें कोई वाटर वगैरह कुछ नहीं ऐड करना, आपने उसको फ्लेम के ऊपर हीट करना है। आप देखोगे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको निकलते हुए दिखाई देंगे बॉइलिंग ट्यूब में से। अब आपने तो वाटर उसमें ऐड किया नहीं था, तो मतलब सोयल में मॉइस्चर था, सोयल में वाटर प्रेजेंट था, वही अब क्या हो रहा है, एवोपरेट हो रहा है, जो वो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वाटर इन द सोयल एवोपरेट्स, मूव्स अप एंड कंडेंस ऑन द कूलर इनर वॉल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। तो वो आपको दिखाई देगा वहाँ पे वाटर। तो ये पूरा वो सेटअप है जिसके थ्रू आप सोयल में मॉइस्चर को चेक करते हैं या रिमूव करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक जो टॉपिक्स है वो समझ में आए हैं, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।